सुपर स्पोर्ट पार्क में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मुकाबला बारिश की वजह से सिर्फ 11 ओवर्स तक महदूद हो गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका के ओपनर डी कॉक सिर्फ पहली गेंद पर आउट हो गए, जबकि रेजा हेंड्रिक्स ने 21 रन बनाए। रायल एनुसो ने दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए। एडिन माकरो ने एक छक्का लगाकर 14 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर ने शानदार 48 रन बनाए। हेनरिक क्लासन, जो कि बेहतरीन फॉर्म में थे, सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। पार्नल सिर्फ 4 रन बनाए, जबकि मगाला ने 18 रन बनाए। इमाद फॉर्चून 4 रन बनाकर आउट हुए। यूं साउथ अफ्रीका ने 11 ओवर्स में 131 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अकील हुसैन ने एक, शनरल कोर्टन ने 2 विकेट हासिल की और डेन स्मिथ ने 2 विकेट हासिल की। अलादार जोस और रमन शेफर्ड ने 1 विकेट हासिल की। 131 रन के दहाकों में ब्रैंडन किंग और कार्ली माइल्स ने इनिंग का आगाज किया। ब्रैंडन किंग ने शानदार 23 रन बनाए। कार्ली माइल्स ने 6 रन बनाकर आउट हुए। जोसन चार्ल्स 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निकलस पुरान विकेट कीपर 16 रन बनाकर आउट हुए। एक रन से विकेटें गिरती रही, लेकिन कप्तान रोवन पॉवेल ने अपनी शानदार बैटिंग से वेस्टइंडीज को पार लगा दिया। रोमन पॉवेल 43 रन बनाए 18 गेंदों पर, उन्होंने 5 सिक्सेस लगाए। रमन शेफर्ड 3 रन बनाकर आउट हुए। ओडन स्मिथ 5, रोशन चेस 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साउथ अफ्रीका की जानिब से मकाला ने 3 विकेट हासिल की। तब्रेज शम्सी 1 विकेट, एंड्रे नोचिया 1 विकेट हासिल की, जबकि इमाद फॉर्चून ने भी 1 विकेट हासिल की। रोमन पॉवेल को शानदार बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वेस्टइंडीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल हो गई है।